अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज जो मेडिसिन के बारे में बात होगी वो है फ्लेक्सन 500 mg टैबलेट, और इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं नोप्रोक्सन, और जो कंपनी इसको तैयार करती है एबट फार्मास्यूटिकल तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फ्लेक्सन टैबलेट को ज़्यादातर दर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट ऐसे हॉर्मोन्स को कम करके काम करती है जो कि जिस्म में दर्द और सोजिश का बायस बनते हैं। फ्लेक्सन टैबलेट मुख्तलिफ दर्दों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक, सर दर्द, शदीद माइग्रेन, जो सर दर्द होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट इसके रिजल्ट हैं। इसके अलावा मसल पेन यानी कि पट्ठों में दर्द हो जाए उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के दर्द में भी मुफीद है ये टैबलेट, और जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। अगर जोड़ों में सोजिश हो जाए उसके लिए भी मुफीद है। हैज़ पीरियड का दर्द हो उसके लिए भी मुफीद है। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी दर्द हो जाए, सोजिश हो जाए, उसके लिए बहुत ही कारामद टैबलेट है। ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात, और अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? चक्कर का आना हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, खारिश हो सकती है, जिल्द का सुर्ख भी होना हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, इससे दस्त भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, और मैदे में जलन भी हो सकती है। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, और अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। जिन मरीज़ों के दिल का बाईपास हुआ हो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमल के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हों इस्तेमाल ना करें। अस्थमा के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें। जिनको गुर्दों के बीमारी हो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।